नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बात करेंगे पछुआ दून की, जहां ग्राम कुंजा से मटक माजरी में सड़क किनारे बरसाती नाले का कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में काफी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में पास में ही स्थित यमुना नदी से अवैध रूप से खनन सामग्री शक्ति नहर के ऊपर जर्जर हुए पुलों से लाई जा रही है। अवैध रूप से लाई जा रही निर्माण सामग्री का प्रयोग कर विभाग व सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें, किसी भी विभाग के निर्माण कार्य में क्रश की हुई निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होना होता है, परंतु इस बरसाती नाले के निर्माण में नदी से निकाला हुआ मलबा और नाले की खुदाई से निकला हुआ पत्थर बिना फेस किए हुए चिनाई के काम में लगाया जा रहा है। साथ ही सीमेंट की मात्रा का इस्तेमाल भी मानकों के विपरीत किया जा रहा है। वहीं निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्री और इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों का इस्तेमाल आधी सड़क का अतिक्रमण कर किया जा रहा है, जिससे आने वाले राहगीरों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर फैली निर्माण सामग्री से रात के समय छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। निर्माण सामग्री से उड़ने वाली धूल, मिट्टी, सीमेंट और रेत से राहगीरों व ग्रामवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि नियम ये कहता है कि अनुबंधन के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा जो भी ठेकेदार नियुक्त किया जाता है, उक्त ठेकेदार पर ये शर्तें लागू होती है कि किसी भी प्रकार के निर्माण सामग्री व निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों से सड़क को बाधित ना किया जाए और निर्माण सामग्री से धूल ना उड़ने के लिए समय समय पर पानी का छिड़काव भी किया जाना चाहिए। परंतु यहाँ तो उक्त ठेकेदार द्वारा सभी मानकों को ताक पर रखकर बरसाती नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी व कर्मचारी मौके से नदारद रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को विभाग के उच्च अधिकारियों व कर्मचारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते ठेकेदार मानकों की अनदेखी कर अपनी मनमानी पर उतारू है। राजीव खान, समाचार इंडिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।